कई करा, चार दो कैसे, और सर कैसे बनवाए आपने, क्यों इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब चार बच्चों के हैं, एक मेरा है, पांच पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम, सिर्फ सीमा था, ना ऊपर कुछ था ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था, वो अभी पड़ा है यहाँ पे। तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, मुझे वापस कर दिया गया पास, बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे दूसरा कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे, मेरे गदल में दाग आइडेंटिटी होते। कार्ड में उम्र पे सवाल उठ रहे हाँ हैं ये कि आम तौर है सर पाकिस्तान में हर किसी के, अब मेरी बड़ी बहन की देखो उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है, क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा हो दिखता है, तो ये चीज़ आम होती है कि छोटी एज लिखवाना, इस पर कोई मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता, सबकी है, सब सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ भी होती होंगी, मुझे तो यहाँ का पता नहीं है, पर वहाँ पर नॉर्मल 4 से 5 साल हर कोई कम ही लिखवाता है। और भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, और वो सब क्योंकि वहाँ से, तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे, वो तो ये भाषा बोलते नहीं है। सर उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है, मैं फिर से कहूँगी उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है। अब हम जा रहे थे नहीं, तो जैसे आप, मैंने सुना हाँ आप, आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ, और इनके पीछे इनका हाथ है, जब हम अलग रहते थे तो बात बात पे मैं अगर मैं पाकिस्तान भाषा बोलती मुझे डांटते थे मुँह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सब सबको पता चल जाएगा तुम पाकिस्तानी हो, बात बात पे इन्होंने मुझे मेरे आधा तो इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मत बोलो, जैसे हमारे तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है, तो पहले मुझे इन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया, सचिन इस बात के गवाह हैं, तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं हम, तो तुम भी बोले दे तुम्हें आप, इस तरह की बातें हमारे पा आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि तो इनके वहाँ साथ नहीं, मेरी तो बात वहाँ ज़्यादा वहाँ होती पे, तो थी, वहाँ पे तो लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये कैसी नहीं बातें मेरी बोल रहे इनसे हैं। बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी थोड़ा ईद हो गई त्यौहार जैसे होते हैं, ईद होती है, मैं त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई या वहाँ छोटी छोटी होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी उनमें त्योहार वगैरह भी बोल रही हैं, वो त्योहार तो वहां बोलते नहीं है। यहाँ बोलते इनके साथ रह रहे के सर मेरी में यही भाषा बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो, वो तो इतना बोलते ही नहीं है जितना आप बोल रही हैं, तो वो तो कैसे आपके कैसे सामने नहीं आप, बोलते कैसे ना, आप भाषा आपकी वो आपके इनको। सामने नहीं बोलते, मुझे पता वो कितना बोलते हैं अच्छा, जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते शायद मैं भी नहीं बोलती, जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद कभी मैं भी नहीं हुई होंगी, ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इतने हैं नहीं सर, हकीकत तो ये है, बाकी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है, हाँ, वो तो सही बस है। शब्दों का जैसे अभी शब्द भी बोलूँ इसको अल्फाज बोल देती तो उर्दू हो जाती, तो जब मेरा प्यार यहाँ आए मेरा सब कुछ यहाँ आए, तो मुझे भाषा और वो साड़ी की बात है, साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं, कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी, तो इस बात पे लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई खास मतलब नहीं है, ना, मैं नहीं आपको समझती आपको इस सचिन, बात आपको को। डर नहीं लगा? लड़की पाकिस्तान से है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, ये इंडिया है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, उससे आप मिलने नेपाल जा रहे हो, फिर उसको बुला रहे हो, उसके बच्चों को बुलाने को बोल रहे हो, आपको कोई डर नहीं लगा, कोई शक नहीं हुआ कि कहीं मैं किसी ट्रैप में ना फंस जाऊं, किसी झांसे में ना आ जाऊं, कोई जासूस हो? सर अगर इस तरह के होते तो हम वकील के पास ना जाते, वकील के पास हाँ, हम नहीं खुद नहीं गए, मैं समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो एक एक एक, एक तुम्हारे दिल बिल्कुल में कोई भी, सवाल क्यों नहीं आया कह रहे हैं ये दिल में ख्याल आना, किसी के भी आएगा ना। सर, ऐसा दिल में ख्याल आए क्योंकि इस तरीका की हमारी बात ही नहीं होती थी, और क्या कहते हैं हम 24 घंटा बात करते थे, जब फोन हमारा बीत जाता था हम सभी फोन को आराम तो सबको पता था आप 24 घंटे बात करते हैं? नहीं पता तो नहीं था, कि अगर मैं काम करता था तो फोन भी चला कर धरा रहता था, तो जब टाइम मिलता तो बात करता था, ऐसे हर वक्त कॉल चलती रहती, हमारी हर खुशी हर गम हमने साथ देखा, मेरे अब्बू मर गए तब भी ये मेरे साथ थे, मेरे शायद उसने मेरे जो एक्स पति हैं उन्होंने कभी फ़ोन पे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या ना, ये मेरे साथ मैं रोती थी तो मेरे साथ रोते थे सर। नहीं, अब पति की बात कर रही हैं आपने उनसे भी तो प्यार करके ही शादी नहीं की? सर ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है, कभी मैंने उनसे प्यार करके शादी नहीं करी, ना वो कभी उन्होंने मुझे इस तरह रखा भी सही सर, बाकी देने लेने की बात है तो वो देते थे शुरू में मुझे, बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी, इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था, तो उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है। बिल्कुल वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं, क्या वो सच हो सकता है सर, एक लड़की कह रही सीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर, एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर, वो भी जिन 4 बच्चों की माँ हो जो घर में रहती हो,
जो बचपन जिसका गांव में और बाद में शहर में हो, तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हम बलोच कबीले से हैं सर, आपको बलोच पता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली ऐसे ही बोल रहे हैं पाकिस्तानी बहुत। पर वो आपके वीडियो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ऐसा तो पाकिस्तान में होता नहीं है। ये तो वही अब हुई है, क्योंकि मैं अब हो गई तो मेरा नाम से बहुत लोगों ने आईडी बना रखी है सर, सिर्फ मेरी मेरी वीडियो तो आप ही के हैं ना सर? हाँ बिल्कुल मेरी है सर, मैंने अभी वो यहाँ पब्लिक करी है, मेरा प्राइवेट अकाउंट था। जिंदगी में कभी मैंने पब्लिक कोई फोटो नहीं करा, जब मैं यहाँ टीवी में आने हर कोई मेरी वीडियो जो मैं देख रही थी। अच्छा, जब वहाँ थी तब आप वीडियो नहीं डालती थी? ना मैं डालती थी पर प्राइवेट, कभी भी इनके अलावा मेरे अलावा कोई नहीं देखता था। जब मैं जेल से छूटा है तब मैंने किसी के फोन में आईडी लॉगिन करके पब्लिक करी और ये। उधर जब नेपाल में गई तो होटल में वो होटल वाला कह रहा है विनायक वाला कि आपने नाम कुछ और बताया था? नहीं सर, सर पहले तो ये बाद में आई थी, पहले तो मैं ही गया था। अच्छा। मैंने बुक कराया था, जब मैं जैसे मैं काठमांडू न्यू बस पार्क पहुँचा था तो वो अंकल थे जो बस से उतरते थे, मैं मेरे को बुलाया उनकी कोई कमरा चाहिए किराए पर, उनकी हाँ चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी आएगी शाम को, वो भी रहेगी यहाँ पर। तो ये झूठ बोलाते हैं वहाँ पे? हाँ। और क्या कहते हैं वो, हम मान गए होटल पर गए, मैंने पूछा उनके आधार कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो बेटा तुम। तो क्या कहते हैं फिर मैंने उसने उन्होंने बस ये पूछा था कि कहाँ से हो और क्या नाम है, मैंने बताया था कि सचिन नाम है और मैं दिल्ली के पास नोएडा में रबूपुरा गाँव हूँ, वहाँ से हूँ बस। और उनके ऊपर है, उनने नाम लिखा ना लिखा, हम तो सर 24 घंटे के अंदर उन्हें 500 रुपये रोजीना दे देते थे नेपाली। कितने दिन रहे उसमें? 7 दिन रहे। और 7 दिन? अच्छा, आप 7 दिन बच्चे अकेले थे? किसके हाँ, पास थे? मेरी बहन और मेरी चाची के पास, वो कराची में रहती हैं, उनका अपना घर है कराची में। और उन्होंने वो सोच रही थी कि आप लाहौर हो? आप लाहौर गई हो? मैं वीडियो कॉल पर उनसे बात भी करती थी जब इनको हटा के करती थी, उनको लाहौर का ही पता था, क्योंकि उनको आज तक यहाँ आने तक पता नहीं था कि मेरे पास बन गया। बोलती नहीं थी कि दिखाइए तबरेज की दरख्वास्त? इतनी बात नहीं थी, मेरे बच्चों से बात होती थी वो इतना, मेरी बहन थी बड़ी वाली, छोटी तो गाँव में रहती है उससे तो वो नहीं है, बड़ी जो शादीशुदा है सफीर अब्बास की पत्नी है जो, उससे मेरी ज़्यादा बात होती थी, तो वो बच्चों से बात करवाती थी। चारों कितने भाई बहन आप? 4, 3 बहनें एक ही भाई हमारा। अच्छा, एक भाई जो आर्मी में चला गया जी, और चाचा भी आर्मी में? सर वो हमारे पैदा होने से पहले हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मुझे जोड़ा भी ना जाए, अगर मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक निकलता है मैं यहीं बैठी हूँ, मैं हाजिर हूँ, जिस तरह की सजा दी जाएगी मैं, मुझे कबूल है। अगर मैं उनसे थोड़ा भी इतना से मेरा उनसे लगाव है, कोई ऐसी चीज़ मिल गई हाँ इनसे सीमा का है या इसमें कुछ है, मेरा गुनाह एक ही है सर, मैं वीज़े के लिए ट्राई भी करा इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि इससे डायरेक्ट मैं नेपाल के गलत सोचा, कौन जेल जाना चाहेगा सर, इनको इनसे पूछे क्या मैंने इंडियन एम्बेसी के लिए ट्राई नहीं करा, पर ये भी तो शायद एम्बेसी की गलती, वीज़ा देना चाहिए था शायद, मैं इस तरह ना भटकती। एम्बेसी ने मना कर दिया आपको वीजा के लिए? जो फहद भाई थे उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया कि कागज आपके पूरे नहीं, आपको एम्बेसी वीजा दे ही नहीं सकते जी सर। क्या कमी बताई कागज की? कुछ नहीं, सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए थे, उनकी शनाख्त जो आधार कार्ड काम करने वाली कॉपी होती उसकी कॉपी चाहिए थी, यहाँ का भले टीचर हो डॉक्टर हो कोई भी बस सरकारी हो, वो इनको नहीं मिली। आपको पाकिस्तान याद नहीं आता? नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान के नाम से मुझे खौफ आता है सर, सच तो यही है, मैं जाना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा पीछे कुछ है भी नहीं और मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर, मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ है वहाँ नहीं है, अगर यहाँ के अगर हम ऐसा मान लो कि अगर यहाँ की जेल भी फिर भी अच्छी रहेगी, वहाँ का तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं वहाँ पे वहाँ का कानून गैरत के नाम पे कुछ भी नहीं कह सकता सर, यहाँ वो गैरत की बात बन चुकी है। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी? कभी भी नहीं। आप डांस करती थी वहाँ पे? कभी जिंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा, डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई, कभी ज़िंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा, खैरपुर से यहाँ एक बार जेकमाबाद गई, जेकमाबाद खैरपुर कराची के अलावा मैं कहीं जिंदगी में। आपके पति थे? जी बिल्कुल, एक बार वहाँ एक दो बार गई बस, शुरू में। आप शादी के बाद कराची रहती थी या जेकमाबाद? कराची में रहती थी सर बस, हम ऐसे कभी कलंदर लाल सुना होगा सिंध में, हम वहीं जाते थे, यहाँ भिट शाह के मज़ार पे जाते थे ज्यारतों के लिए, बाकी जिंदगी में मैं मतलब वो 300 और लाल तो सेवन में। हाँ वो सिंध में ही है ना, वहाँ जैसे मन्नत रखते हैं बच बेटा हो जाएंगे, तो इस तरह हमारा खानदान बस करके जाता था, वैसे वहीं जाते थे, यहाँ भिट शाह पे जाते थे, तो इन चीज़ों यहाँ और भिट जेकमाबाद और खैरपुर कराची बस यहीं एरिया गला, मैं कहीं जिंदगी में नहीं गई। मेरी बड़ी बहन लाहौर गई है, बड़ी बहन करबला गई है इमाम हुसैन की दरगाह पे, छोटी बहन लाहौर गई है, अभी मैं नहीं गई थी इसलिए मैं उनको कहा मैं भी जाती हूँ, उनसे मैंने ये ड्रामा करा, झूठ बोला सर।
और मज़हब बदलने का वो तो मेरा वहीं से साल पहले से था, जब इनसे मेरी बातचीत ज़्यादा होती थी, यहाँ की चीज़ें दिखती थी, और वहाँ भी एक सोनम नाम की हिंदू दोस्त थी मेरी, वो भी वहाँ मोहल्ले की थी, तो उनके घर भी मैं जाती थी, बस वो काली माता के पास मुझे जाने नहीं देती थी, तो मुझे मना करती थी, तभी मैंने गोश्त छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे इनको भी पूजा करनी है, थोड़ी बहुत आती थी वो करती, उनके साथ में खड़ी हो जाती थी, तो मेरा तब से ही मन था इनके पास आने का, तो मेरा था कि हम शादी, मैंने इनको पति तो फ़ोन पर ही मानती थी, मेरे पति यही हैं। ऐसा क्या हुआ कि इनको पति मान लिया? इससे बहुत प्यार हो गया मुझे सर, इसके पीछे क्या बात है समझ में नहीं आता, दिन रात हमारी बात होना, आदत हो जाना, एक तरह ये बात ना करें तो मैं खुद को काट भी लेती थी कि मुझसे बात करो वरना मैं मर जाऊंगी, इस तरह की फीलिंग थी सर, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता था, चीखे मारती थी बिल्कुल, बहुत बेचैनी थी इनके, मतलब जो दोस्त थे मोहल्ले के सबको कॉल करूं। आपको घबराहट नहीं होती थी इस बात को सोच के कि कोई ये बोल रहा है कि मैं नस काट लूंगी या जो भी, मतलब इनके सामने कई बार काटी सर, धर्म बदलने के लिए आपने बोला? क्या सर? धर्म बदलने के लिए आपने? मैंने नहीं बोला सर, अपने आप ही इसने धर्म अपनाया। लेकिन देखिए ना सीमा, अब दिक्कत यह है कि अब हिंदुस्तान भी क्या करे, आप गलत तरीके से आई हुई हैं और आप कह रही हैं आपको डिपोर्ट ना किया जाए, आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं जी सर, तो किस तरीके से यकीन दिला सकते हैं आप? या यकीन तो देखिए आपने तो अपनी बात रखी दी है, लेकिन हिंदुस्तान और क्या करे आपको रिपोर्ट करने के अलावा, वापस भेजने के अलावा? अगर आप यकीन दिलाने की बात करेंगे तो पहले यही कहूँगी जिस तरह का मुझ पर कानून लागू किया जाएगा ना, मैं सारी जिंदगी पूरा जीवन इस एक घर में गुजार लूँगी, दरवाजे तक नहीं जाऊँगी, जिस तरह का मेरे लिए कानून रखा जाएगा मैं उसको पूरा करूँगी, अगर मैं इतनी सी भी चूक गई तो मुझे ना रखा जाए। वो एक 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 यूट्यूबर वहाँ से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है, अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, बस वैसे आ जाती, बच्चों को क्यों ले आती? वो कह रहे हैं सचिन आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर, सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है, उनका लुक उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है, पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? बिल्कुल, मेरा जीना मरना यहाँ होगा, ये एक दिन दुनिया मानेगी, जब मैं यहीं मरूंगी यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर जी सर, भले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता फिर भी अच्छा लगता था सर। अब अगर अब मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात की ये गवाह है, जब अब बीच में मैच हुआ था मैंने लड्डू ले रखे, क्योंकि मेरा दोनों ही तरफ फायदा था, अगर इंडिया जीता तब भी मैं खुशी मनाती, पाकिस्तान जीता तब भी मैं खुशी मनाती, और इस बात की ये गवाह है, जब इंडिया जीता तब भी मैंने लड्डू बांटे, क्योंकि मैं दोनों देश को एक मानती थी, क्योंकि मेरा मोहब्बत थी, मैं पली वहाँ, मेरा प्यार यहाँ, तो मैंने इनको इनसे पूछ लें कभी भी इंडिया के जीतने पे, मैंने पाकिस्तान के हारने पे दुख नहीं करा, या इंडिया के मतलब ऐसा होता था कि इंडिया कभी जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, मतलब कभी भी मैंने दुख नहीं करा, दोनों तरफ मेरे लिए बराबर था, वो जीता तब भी मैं खुश, वो जीता तब भी मैं खुश। सचिन ये कैसे निभाएंगे, जीवन बहुत बड़ा है अभी, संघ का साथ ही चाहिए बस, जीवन तो अपने आप लेता हुआ, और अभी और साथी चाहिए तुम लोग? मैं तो गई था, क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि किस तकलीफ में आपने इस पूरे इलाके को भी ला दिया है, सचिन को और परिवार को? लगता है सर, मैं सचिन से बात बात माफ़ी भी मांगती हूँ, जब ये रोते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, शायद मेरी वजह से, फिर ये कहते हैं ना मेरी वजह से हुआ, ये खुद को समझते हैं, मैं खुद को समझती हूँ, ये कहते हैं तो मेरे जैसे तुम और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं कहती मेरे जैसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, हम दोनों की मर्ज़ी थी सर, अगर ये ना बुलाते मैं ना आती। पर बच्चों के पिता तो उधर हैं, बच्चों के पिता उधर हैं। अब सर एक बात से, इतनी बात से आप समझदार हैं, सोच सकते हैं, जब मैं 2 महीने तक लापता थी, जब मेरी बहनों ने एफ आई आर कटाई कि सीमा गुम हो गई, हैदर सऊदी में बैठ के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे सीमा मीडिया पे आए या कहीं पे मैं बोलूं, वो कह रहे 70-80 हज़ार रुपये भेज रहा हूँ हर महीने, वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात की सोच लें, मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए, वहाँ बैठ के नारे लगा क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे, सिर्फ सर बातें हैं सर, अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह ना होती। नहीं पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चों को मैं जाने दूंगी सर, पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा, आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना मैं भेजूंगी खुशी खुशी, अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर, मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं।
उनकी जिंदगी में मैं ही एक ये बात है कि वो पैसा भेजते थे शुरू में भेजते थे सर इस बात से मैं क्योंकि जब वो गए थे तब मेरा सोना गिरवी रख के गए थे अच्छा फिर वो खुलाया फिर घर लिया मानती हूँ देते थे जी सर तो काफ़ी लंबी बातचीत आपसे लगातार हर टीवी चैनल हर जगह हो रही है एटीएस ने भी कर ली है आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को जो यकीन करे क्योंकि खबरें देखिए हर तरह की आती हैं आपको भी हर तरह की खबरें आई हिंदुस्तान के बारे में आपने एक हिंदुस्तान के बारे में एक तस्वीर बनाई अब आपके बारे में हिंदुस्तान तस्वीर बना रहा है बिल्कुल सर अब मैं क्या कहूँ मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अगर मैं एक माँ हूँ मुझे माँ की नज़र से सिर्फ जासूस 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 की नज़र से ना देखें माँ की नज़र से भी देखें मैं चार तीन बेटियों की माँ हूँ मेरे बेटे को भी छोड़ दें बेटा बेटा होता है मैं तीन बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन ख़राब हो जाएगा सबसे यही रिक्वेस्ट है भले कहीं भी रख लें कोई भी कानून हम पे रख लें पर वापस ना भेजें सर वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है धन्यवाद सर चलिए शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद सचिन आपका भी